हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में एयरपोर्ट फेज टू के 10,000 फीट लंबे रनवे का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की लागत से प्रदेश स्तरीय 306 नई परियोजनाओं का शुभारंभ कर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। प्रदेश स्तरीय 306 परियोजनाओं में सोनीपत जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए योजनाओं का शुभारंभ किया गया। सोनीपत जिला के बरोदा में उपचुनाव होने के कारण वहां पर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हिसार में आयोजित आज इस कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी बतौर विशिष्ट अतिथि पहुँचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया, जो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, बरवाला के विधायक जोगी राम सिहाग, उकलाना के विधायक एवं राज्य मंत्री अनूप धानक, हांसी के विधायक विनोद भयाना सहित अनेक नेता भी मौजूद रहे। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट कर पकड़ लिया, यही पुलिस का काम। उसकी ओर हम अग्रसर है, और संयोग से हिसार एक ऐसा आइडियल प्लेस है जो हरियाणा के सेंटर में लगभग है। जमीन की वगैरह से यहाँ कोई कमी नहीं है। आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो पानी अंडरग्राउंड पानी की जो एक सीमा है उसकी, हम नहरी पानी का अगर यहाँ विकास होता तो नहरी पानी का पूरा उपयोग यहाँ करेंगे, और यहाँ इंडस्ट्री को भी लाएंगे हम। यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएँ वो सब हम खड़ी कर ही रहे हैं। एक प्रपोजल हमारा हिसार का जो साउथ सदरन बाईपास, सदरन राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड, इधर का तो एक बना है, काम हमारा चल रहा है। ठीक है, ईस्ट से शुरू होगा लेकिन आएगा वो इधर, तो सदरन ही माना जाएगा, साउथ ईस्ट जो भी है। ये जो हासी और इसके बीच में कौन सा गांव है, टोल प्लाजा के पास, टोल प्लाजा वहाँ से शुरू होकर के और राजपुरा रोड पर आकर के, राजगढ़ रोड पर आकर के मिलेगा, वो एक बाईपास की योजना नेशनल हाईवे कॉम रखी है हमने, और मुझे लगता है वो फिट हो जाएगा। और एयरपोर्ट का जैसे आपको बताया कि इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग से दिल्ली से एक आइडियल डिस्टेंस है हमारा, बहुत अच्छा डिस्टेंस, बहुत दूर भी नहीं, बहुत नज़दीक भी नहीं है, 150 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, और दिल्ली का एयरपोर्ट अब कंजेस्टेड हो गया, उसकी कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए वो पूरी फुल हो गई है। अब उसके बाद वो नए एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है हमारा और जेवर का, उत्तर प्रदेश का जेवर का, जेवर वालों को अभी जमीन नहीं मिली है, वो तो झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हैं, पता नहीं कब निपटेगा। हमारे पास यहीं से जमीन है, तो एक एक कदम हमारा आगे बढ़ा है। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो पहले तो शायद जेवर की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, लेकिन अब हमारी तरफ आ गए हैं, और उसमें हमारा योगदान है। हमारे पास जमीन का जो लैंड बैंक है वो एक बड़ा फैक्टर है। आज उसका एक काम जिस काम शुरू कराया, तो अगर ये हाईवे हमारा कब तक का टारगेट है बनने का, 1.5 साल का, 1.5 साल में अगर ये हाईवे बनता है, निश्चित रूप से जो बड़े जहाज़ हैं इसमें भी दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एक तो पार्किंग, दिल्ली में अब जो जहाज़ आते हैं इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, पार्किंग की जगह नहीं है, और पार्किंग करने के लिए हिसार से बढ़िया और कोई उनको प्लेस नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है जब पार्किंग आएंगे तो फैसिलिटी भी यहाँ तक खाली तो आएगा नहीं, जब आएगा तो जहाँ से भी आएगा, दिल्ली से होके आएगा या जयपुर से होके आएगा या अमृतसर से होके आएगा, तो वो सुविधाएँ अपने आप में जुड़ेंगी। और दूसरा है MRO यानी सारे देश में, अब वो जो MRO है वो बेंगलोर और शायद नागपुर जी, वही जगह है, हैदराबाद में छोटा है सर, हाँ दो बड़ी जगह है। तो दिल्ली का जो प्लेन है जिसको मरम्मत करानी होगी, तो MRO इतनी दूर जाने के बजाय स्वाभाविक उसको नज़दीक जगह मिले तो यहाँ जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा तो कंपनियाँ ऐसी हैं जो उनको जगह यहाँ मिली नहीं तो विदेशों में जाकर के अपने जहाज को ठीक कराते हैं। MRO के कुछ कंपनियों को हम करेंगे उनके साथ तालमेल, तो MRO का एक सिस्टम भी हो जाएगा। तीसरा है डिफेंस के जितने भी इंडस्ट्री है उसको भी, क्योंकि यहाँ कैंट एरिया है और आइडियल प्लेस है, डिफेंस के लोगों की बातचीत भी चल रही है,
बोले आप एक बार एक्सपेंड करो तो उसमें जैसी सुविधाएं खड़ी होगी वैसा करेंगे। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जब एयरपोर्ट बनेगा तो कोई दो चार होटल भी बनेंगे, इंडस्ट्री भी बनेगी। अब जिन लोगों को यहाँ आना है तो उनको रहने की सुविधा चाहिए, तो एक एक करके ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सहयोग से हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं देश हमारे पास, उनमें भी काफी है। स्पोर्ट्स का भी धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ रहा है मामला, तो इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए हिसार जो है हमारा एक आइडियल प्लेस है टू बी डेवलप्ड। कांग्रेस ही जीतेगी उसमें, तो आप इसके बारे में कहेंगे जो जींद में जो जीत हुई है क्या उसके से ज्यादा होगी या उसके बराबर रहेगी, कैसे क्या पोजीशन है? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी इलेक्शन में सब पार्टियां लगती हैं और जुटती हैं। अब ये अलग बात है कि सब पार्टियों में नेता हैं, बहुत हैं और निर्विवाद निर तरीके से सब जा रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या दोष है कि उनके पास बाप बेटा के अलावा कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको जाने के लिए तैयार नहीं है तो बाप बेटा ही रहेंगे। दूसरे को जाते हैं तो उनका कैंडिडेट ही कह देता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब नेता को धुतकार दिया जाता है तो नेता का माथा खराब होता जाएगा। मुख्यमंत्री सीएम साहब ने उस बाप बेटा को पसीने आए हुए हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने एक बड़ा नेता अपना उतारा था जींद में, जींद में उनको धराशायी होना पड़ा था, कितना बड़ा नेता था। अब उसको पता नहीं भगवान जाने बुद्धि कहाँ से सदबुद्धि ये आई कि कैथल का विधायक होते हुए जींद में जा कूदा। तो इस पर बड़े लोग अचंभित थे। अब उसको शर्म इतना है कि वो जींद भी हार गया, फिर कैथल भी हार गया और बिहार जीतने चला। क्या ठीक है बस सर, ठीक है बस। सीएम साहब आप क्या बड़ौदा हम जीतेंगे, हमारे गठबंधन के सब नेता वहाँ लगे हुए हैं, हमारा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको बड़ौदा की भी ख्याति प्राप्त है, हरियाणा की भी है, राष्ट्र की भी, अंतर्राष्ट्र की भी है, उसको हर जगह ख्याति प्राप्त है एक पहलवान के नाते और अच्छा जो परफॉर्म करने वाला पहलवान देश में दुनिया में नाम है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.